नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा बाजम। 6 बजने को है वक्त सत्ता का महासंग्राम का हो गया है। सबसे पहले बात 6 बजे की 6 बड़ी खबरों की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, उन्हें बेल मिल गई है। पूरी खबर आपको बताएंगे, साथ ही बात होगी संजय राउत की भी। प्रधानमंत्री ने उनके विवादित बयान पर प्रहार किया, पूरा मामला क्या है दिखाएंगे आपको। बात करेंगे मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान प्रेम की भी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर मणिशंकर क्या कहते हुए सुनाई दे रहे हैं और उनकी बात पर सियासी दलों का क्या रिएक्शन है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही बात होगी कांतिलाल भूरिया के 2 पत्नी वाले बयान की भी, इस पर कैसे मचा हुआ है सियासी बवाल, किसने क्या कहा, ये भी हम आपको सुनाएंगे। बात करेंगे भोपाल की रेड की भी, बड़ी रकम मिली है, क्या है नोटों की गड्ढे का कनेक्शन। जबलपुर में करप्शन के खिलाफ एक अनोखे अभियान की भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो कि बीजापुर से है। तो बीजापुर नक्सली एनकाउंटर में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए नक्सलियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। नक्सलियों के शव के पास से हथियार भी मिले हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 1200 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। DRG, STF, कोबरा, CRPF के जवान शामिल हैं इस ऑपरेशन में। सुबह 6 बजे से ही ये मुठभेड़ नक्सलियों के साथ जारी है। बड़े नक्सली लीडर्स की मौजूदगी की उन्हें घेरे जाने की खबर है। गंगालूर इलाके में पीडिया के जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। 1200 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और अब तक 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये नक्सलियों की जो संख्या है, मारे गए नक्सलियों की संख्या है और बढ़ सकती है। नक्सलियों के शव, हथियार भी मिले हैं और अलग अलग फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। चाहे बात करें DRG, STF, कोबरा, CRPF, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। श्रीनिवास, क्या खबर है इस ऑपरेशन को लेकर, अब तक कितने नक्सली मारे गए, कितने शव मिले हैं, क्या कुछ हथियार मिला है इनके पास से, पूरी खबर बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, आज सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है और खबर यह मिल रही है कि इस ऑपरेशन में माओवादियों को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। 8 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, साथ ही मौके पर कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल शवों को लेकर जो सुरक्षा बल मुख्यालय लाने की तैयारी कर रही है, चूंकि इलाका काफी कोर है तो लगातार फायरिंग अभी भी जारी है। बता दूं कि ये इलाका बीजापुर का जो इलाका है, पीड़िया जंगल है और ये दंतेवाड़ा के सरहद में है। तो दंतेवाड़ा सुरक्षा बल, सुकमा सुरक्षा बल और बीजापुर, ये तीनों जिलों के जो सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। लगभग 1000 से अधिक जवान, लगभग 1200 से जवान जो है, DRG है, कोबरा है, CRPF है, बस्तर फाइटर है, बस्तर के जवान हैं। इन जवानों ने एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया और बड़े माओवादियों के वहाँ जमावड़ा होने की खबर सुरक्षा बलों को लगी थी, जिसके बाद आज तड़के सुबह से यह ऑपरेशन जारी है। लगभग काफ़ी देर हो गया है और इस घंटे के बाद माओवादियों को बड़ा झटका लगा और 8 माओवादियों को ढेर करने की खबर मिल रही है। बता दूं कि ये इलाका पापाराव का है, पापाराव की टीम वहाँ मौजूद थी जो CC मेंबर है, साथ ही अन्य जो माओवादी है उनकी सूचना सुरक्षा बलों को लगी थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जी जरा बताएं कि कौन कौन से बड़े नक्सली कमांडर इस ऑपरेशन में घेरे गए हैं और किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जल्दी अंधेरा भी हो जाएगा, तो आगे को लेकर क्या कुछ जानकारी है। देखिए, जो इलाका है काफी कोर इलाका है और स्वाभाविक है उस इलाके में जो पापाराव है, पापाराव को टीम है, उसमें कई अहदेदार जो माओवादी शामिल होते हैं, DKSZC, ACM और DVC मेंबर, जो इनका लाखों रुपए के इनामी नक्सली है। इन नक्सलियों पर जो सुरक्षा बलों ने हमला बोला है और एक प्रहार किया है, चूंकि ये सभी नक्सलियों की मूवमेंट की खबर सुरक्षा बलों को लगी थी, जिसके बाद पूरे ऑपरेशन को लॉन्च करने में तीनों जिलों के SP जो कप्तान है इनकी नजर बनाए हुए थे, बस्तर IG बनाए थे, DIG
बनाए हुए थे और ये ऑपरेशन को आज सुबह ही लॉन्च किया। सुरक्षा बल कल देर रात ही पहुंच चुकी थी ऑपरेशन करने के लिए और आज सुबह से लगातार दोनों ओर से लगातार फायरिंग जारी थी और वो फायरिंग के दौरान अभी जो खबरें मिल रही इसमें 8 माओवादियों को ढेर किया है और भी जानकारी कुछ देर बाद और स्पष्ट हो जाएगी। जी जो नक्सली मारे गए हैं 8 अभी तक जानकारी मिल रही है, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, कौन थे ये, क्या प्रोफाइल रहा इनका? देखिए अभी जो माओवादी जो मारे गए हैं 8 माओवादी उसकी शिनाख्ती होना बाकी है क्योंकि शव को लेकर जवान मुख्यालय तक पहुंच रहे थे। स्वाभाविक है जो मारे गए माओवादी हैं वो बड़े कैडर के भी हो सकते हैं। फिलहाल जो सुरक्षा बल है वो सुरक्षित वापस लौटने की प्रयास कर रही है क्योंकि अभी भी फायरिंग होने की जानकारी मिल रही है। तो तमाम जो चीजें हैं कौन नक्सली किस कैडर का है ये कुछ देर बाद और क्लियर हो जाएगा उनकी शिनाख्ती के बाद। जी बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी हम आपसे इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स लेंगे, धन्यवाद फिलहाल इस बातचीत के लिए। बात करते हैं इंदौर की अब, जहां इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अक्षय कांति बंग के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, उनके पिता के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करना होगा, पिता पुत्र को पेश करना होगा, माफी का आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया है, गिरफ्तारी वारंट अब जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे लेकिन एन नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, बीजेपी में शामिल हो गए और अब 17 साल पुराने इस मामले में उन्हें राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, कहा है कि 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करना होगा, पिता पुत्र का माफी आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 8 जुलाई तक गिरफ्तार करना होगा, कोर्ट के आगे पेश करना होगा, गिरफ्तारी वारंट पुलिस ने माफ कीजिएगा कोर्ट ने जारी किया हुआ है। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, ये तो मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं अक्षय कांति बम। अच्छा बिल्कुल, अक्षय कांति बम मुश्किलों में है और अक्षय कांति बम को शायद कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मुश्किल में हो सकते हैं। आज उन्हें कोर्ट में पेश होना था, 10 तारीख आज का समय उन्हें दिया गया था, पिछली सुनवाई में भी वो नहीं पहुंचे थे तो आज कोर्ट ने वो वक्त दिया था, लेकिन जब आज वो नहीं पहुंचे और उन्होंने उसमें जो जानकारी दी थी कि उनके जो पिता है कांतिलाल बम उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो 10 दिनों के बेड रेस्ट पे है और वो पारिवारिक कारणों से इंदौर से बाहर है, लेकिन कुछ 2 या 3 घंटे पहले ही उनके सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तमाम यहाँ के जो विधायक उनके साथ जाना पाव वाले कार्यक्रम में शामिल हुए थे, यानी वो इंदौर में थे, आसपास से कार्यक्रम शामिल हो रहे थे, वो तस्वीर भी सामने आ चुकी थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए साफ साफ कहा है कि अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा रहा है, 8 जुलाई तक पुलिस कोर्ट में पेश करे, बार बार बुलाने के बावजूद अगर नहीं आ रहे हैं तो इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी गई है, पुलिस को अरेस्ट करके सेशन कोर्ट में पेश करना होगा और जो पूरा मामला है वो 17 साल पुराना जमीन विवाद का मामला है। यूनिस पटेल है गजानक रहने वाले, उनसे ये पूरा विवाद का मामला जुड़ा हुआ है। इनके साथ करीब 6 से 7 लोगों पर पहले कई सारे गंभीर धाराओं में केस दर्ज था, लेकिन जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब कांग्रेस से वो प्रत्याशी थे, उसी दौरान पे उन पर धारा 307 बढ़ाई जाती है। उन पर 307 इसलिए लगाई गई क्योंकि उस वक्त में फायरिंग की बात सामने आ रही थी। 307। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। उज्जैन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, शिप्रा नदी में मछलियों की मौत के मामले में प्रशासन जागा है, महापौर ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। उज्जैन के महापौर मुकेश टाटवाल ने जल्दी एक्शन की बात कही है। न्यूज 18 ने शिप्रा नदी में मछलियों की मौत को लेकर प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी, इसे लेकर अब प्रशासन कार्रवाई करने की बात कह रहा है। अभी हमारे शिप्रा के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से मछलियों का मरने का सिलसिला जारी है तो नगर पालिका निगम के माध्यम से हम उसको निकाल रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, साथ ही ऑक्सीजन की प्राप्ति उसके लिए हमने फंवारे भी लगाए, 4 स्थानों पर 4 हमने फंवारे लगाए और भी हम फंवारे लगाने वाले हैं। और न्यूज 18 के माध्यम से जानकारी लगी जिन जिन घाटों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी वहाँ भी हमने कार्रवाई के आदेश दिए। लगातार जब पानी चेंज हुआ था और ऑक्सीजन कमी हुई थी तब से लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो घाट छूट गए थे जो और आपके चैनल के माध्यम से पता लगे तो वहां भी हमने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की।
अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, प्रमुखता के साथ न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया और अब खबर का असर हुआ है, प्रशासन जागा है। ये देखिए, उज्जैन की मोक्षदायिनी शिप्रा में लगातार मछलियों के मरने का मामला सामने आ रहा है। इसके पहले भी कई गंदे नाले मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने इसका विरोध जताया था। इसी के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिप्रा में स्नान कर जो है कांग्रेस प्रत्याशी को जवाब दिया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार मछलियां मर रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है पानी में, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जिस तरीके से मछलियों के मरने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पानी दूषित हो रहा है और जिसके कारण लगातार मछलियां मर रही है। वही नगर निगम के महापौर ने माना है कि जो है लगातार मछलियां मर रही है और इसके कारण ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में न्यूज 18 सुबह से ही लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इसके बाद जैसे ही न्यूज 18 ने सुबह से ये खबर चलाना शुरू की, तो इसके बाद नगर निगम की टीम ने कांटों से मछलियों को हटाने का कार्य शुरू किया है। इस बात को नगर निगम महापौर जो है मुकेश कटवाल, उन्होंने भी माना है कि जहाँ जहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई थी वहाँ पे भी जो है न्यूज 18 के माध्यम से अब जो बताया गया है। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो जहाँ जहाँ पर मछलियां मरी पड़ी हुई है उनको तत्काल नदी से हटाया जाए, ताकि पानी में जो स्नान करने आने वाले श्रद्धालु हैं उनको स्नान करने में कोई समस्या ना हो सके। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों रुपए की योजना बनाई गई है कि खान नदी का नाला जो इंदौर से आता है वो कैसे उसको अलग किया जाए, क्योंकि सिंहस्थ के समय भी इस योजना को बनाया गया था और खान नदी के नाले के लिए खान डाइवर्शन करके एक पाइपलाइन डाला गया था, जिसके माध्यम से जो पानी निकलना चाहिए था वो कई बार जो देखने में आता है कि जो बांध है वो टूट जाता है और जिसके कारण वो गंदा पानी शिप्रा में मिल जाता है, जिसके कारण शिप्रा का पानी दूषित होता है और कई मछलियां मरती हैं और इससे जो स्नान करने आते हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल आज देर शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। बेल मिलने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे। 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान होना है, इसके बाद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के लिए गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को वो तिहाड़ जेल में शिफ्ट हुए थे, तब से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, वो मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा पाएंगे और ना ही बतौर मुख्यमंत्री कोई साइन या कोई फैसला ले पाएंगे, लेकिन वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे इस बात की छूट है। और ये 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी जो याचिका है उस पर कहा है कि इंटरिम में अरविंद केजरीवाल साहब को वो 1 जून या 2 जून तक इंटरिम बेल पे जमानत दे रहे हैं। हमारी अर्जी इंटरिम की उन्होंने मान ली है। अब 2 जून को उन्होंने कहा है कि केजरीवाल साहब को सरेंडर करना पड़ेगा वापस। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नंदुरबार की रैली में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के बयान पर पलटवार किया है। संजय राउत ने विवादास्पद बयान देते हुए पीएम की तुलना औरंगजेब से की, जिस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नकली शिवसेना मुझे गाड़ने की बात करती है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एक तरफ कांग्रेस कहती है मोदी आपकी कब्र खुदेगी, तो दूसरी तरफ एक तरफ नकली शिवसेना मुझे गाड़ने की बात करती है। ये लोग जीते जी मोदी को जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए
वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। अब आपको सुनाते हैं शिवसेना गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या बयान दिया था। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही गाडलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कोण है, तू कोण है? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान की तरफ दारी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, इसीलिए भारत को पाकिस्तान के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। ओके। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे तो कोई पागल वहाँ आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्वगुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ओके। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी। मस्कुलर पॉलिसी यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। तो इस पर रिएक्शन दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, और इसके अलावा कांग्रेस ने भी किस तरह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, दिखाते हैं आपको। राजनीति के जोकर बन गए, मणिशंकर अय्यर हो, सैम पित्रोदा हो, संजय राउत हो, इनको कौन गंभीरता से लेता है? ये सब लोग पराजय के भय से ऐसे ऊटपटांग बयान दे रहे हैं कि जिनको जनता केवल मनोरंजन के रूप में लेती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है, उससे भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तर साल से